माता की जय। भारत माता की जय। भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने के लिए यहाँ पे एक हफ्ता तक अभियान चला और आपको पता चला होगा कि उसके तहत बहुत से कार्यक्रम करवाए गए स्थान स्थान पर। यहाँ बाड़ा में कोई पहुँचा या नहीं पहुँचा ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने के लिए एक ही हफ्ता काफ़ी नहीं है, उसको हमने कार्यक्रम को उस अभियान को आगे बढ़ाना। रिश्वतखोरी जम्मू कश्मीर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर करप्शन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर साफ सुथरा काम होना चाहिए, यहाँ पर साफ सुथरी एडमिनिस्ट्रेशन है, साफ सुथरी यहाँ पे सरकार का काम है, साफ सुथरे अधिकारी हैं, साफ सुथरी पुलिस है, और उसमें यदि कोई तत्व ठीक नहीं है, टेढ़ा चल रहा है, कहीं पे कोई भ्रष्टाचार करता है, किसी को कोई तंग करता है, तो आपका ये पहला बड़ा कर्तव्य बनता है पंचायत का, लंबरदार चौकीदारों का और अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों का, समाज सेवकों का, कि अधिकारियों के नोटिस में इस चीज़ को लाया जाए। हम और आप अगर मिल जाए तो हम जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं, और हमने बनाना है, तय करना है, निश्चय लेना है, और ये शब्द लेनी है, प्रण लेना है कि हमने करप्शन के खिलाफ लड़ना है, हमने करप्शन को ख़त्म करना है। कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा बोलना चाहते हो रिश्वतखोरी के खिलाफ उतना ज़्यादा बोलो, ताकि ये बीमारी जो है जड़ से ख़त्म हो जाए। हमने जो है समाज को स्वच्छ करना है, हमने समाज को साफ करना है, हमने समाज से बीमारियां सारी दूर करनी है, और जब पता चल रहा है कि ये बड़ी बीमारी है, जैसे आतंकवाद एक बड़ी बीमारी थी, जैसे नशा एक बड़ी बीमारी है जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में, इसी तरीके से भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी बीमारी है जो पूरे समाज की तबाही करने वाली बीमारी है, और तबाही कर रहा है भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी, तो इसको क्यों नहीं जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, और उसमें सबको क्यों नहीं योगदान देना चाहिए।